हेलो दोस्तों, रनिश देसी जड़ का मैं आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, रेनुस देसी तड़का में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं केक। घर के बेसिक सामान से बनाएंगे, बहुत सिंपल साधारण तरीके से बनाएंगे, वो भी कढ़ाई के अंदर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस पे लिखा है RDT, आर मतलब रेनू, डी मतलब देसी, टी फॉर तड़का। तो आज का केक रेनुस देसी तड़का के नाम का है। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो जब भी कुछ खाने का मन हो, फटाफट बनाना हो, तो आप इस केक की रेसिपी जरूर देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में नमक डाल दिया है मैंने, और इस तरह का स्टैंड रख दिया है। आपके पास अगर स्टैंड नहीं होता है तो आप कोई भी रिंग रख दीजिए और इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि अपना नमक और कढ़ाई में हीट हो जाए। तो इसको हम ढक देते हैं। तो पहला प्रोसेस हम ये करेंगे, उसके बाद अब इस तरह का मेरे पास टीन है, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ऑयल लेंगे और सब जगह ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और मेरे पास ये बटर पेपर भी है, इसको भी मैं इस तरह से रख दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको है ना वो मैदा डालकर उसको ग्रीस कर सकते हैं। बटर पेपर भी थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी। ये अच्छे से ग्रीस होने पे क्या होगा कि अपना जो केक है ना वो आराम से निकल जाएगा। तो हमने केक टिन को कर लिया है तैयार। अभी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पर। इस तरह से मैंने एक तपेली ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ये शुगर लूंगी, ये मैंने 120 ml है, मतलब एक कटोरी शुगर है, वो आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए। इसमें ये एक कप ऑयल लिया है मैंने, 60 ml है, वो भी इसमें डाल देना है। और उसके बाद ये आधा कप दूध है, वो भी इसमें डाल देना है, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद है ना अपने पास ये मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, अगर आप वेनिला एसेंस डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। इसको हमें ना एक टेबलस्पून डालेंगे, ये एक टेबलस्पून मैंने डाल दिया है, और इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैदा डालेंगे। तो मैदा मैं 300 ग्राम लूंगी, तो इसमें रख देती हूँ। ये मेरा 250 ml का है, ये 60 ग्राम कोको पाउडर लिया है, और इसमें है ना मैं एक चम्मच कॉफी पाउडर भी मिलाऊंगी, उससे कि अपना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक चम्मच कॉफी पाउडर, और इसी में ही हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। एक चम्मच बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ। फोर्थ मैंने सोडा डाल दिया है। अभी सारे मसाला पाउडर को है ना हम छान लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने पूरा छान लिया है, अब इसको है ना हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर हमें थोड़ा सा थीक लग रहा है, तो इसमें है ना हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये मेरे दूध वाला थोड़ा सा पानी पड़ा था, वो मैं यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे हम। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है,
और इस तरह से मैंने रखा है इसको, देखिए आप यही वाली, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा, इस तरह से रखना है। अब इसको हम है ना जो हमने टीन तैयार करा है ना उसमें हम निकाल लेंगे। अब है ना हम इस केक में पैन में केक डाल देंगे, ये बैटर जो हमने तैयार किया ना इस तरह से सारा डाल देते हैं। इसको हम दो तीन बार इस तरह से करेंगे ताकि जो भी कोई एयर चली गई हो ना वो निकल जाए और हमारा बैटर अच्छे से इसमें डल जाए। और डल गया है और अच्छे से हो गया है। अब इसको हमने वो जो कढ़ाई रखी थी ना उसमें रख देंगे। इस तरह से हमें इसमें रखना है और इसको हमें ढक देना है। इसको हमें 45 मिनट्स तक रखना है। तो 45 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि हमारा केक कैसे बनेगा और इसकी फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा केक कैसे बना है। तो आप देख रहे हैं हमारा केक बहुत अच्छा बना है और फुल भी चुका है। तो अब इसको हम है ना एक बार चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए पूरा केक बन चुका है, कहीं नहीं चिपका, मतलब हमारा केक रेडी है। अब केस को बंद करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल बाजार जैसा, आप देख सकते हैं इसको कितना सॉफ्ट है। तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, आपका केक भी इसी तरह से बनेगा हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि केक बनना बहुत आसान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं करेंगे। मेरे पास पीसी हुई शक्कर है, इससे अपन थोड़ा सा इसका डिजाइन करेंगे। बस इसी तरह से देखिए अपना केक कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे।